ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस्मरणी परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की आगम के माध्यम से बहुत सारा विषय तो सूक्ष्मता को लेकर के वर्णन मिलता है आगम में, और वह आगम की रचना दिव्य ध्वनि के आधार से गर्नर परमिष्टि के द्वारा आगम की रचना होती है, और वह द्वादश्यांग धीरे धीरे काल के प्रभाव से समझ लो और अपनी अपनी योग्यता को लेकर के कर्म के उदय के कारण वह श्रुत रास को प्राप्त होता हुआ आया है। लेकिन वस्तुतः क्षीर सागर का वह जल और उसी में से एक मान लो आपने लोटा भर करके ले आए तो वह जल कहाँ का माना जाएगा? क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। उसी प्रकार गणधर परमिष्टि के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों के माध्यम से वह क्षीर सागर की धारा बहती हुई यहाँ तक आई है, और आचार्य महाराज उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से उनके मुखारविंद से और उनके अनुभव के माध्यम से जो आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ बहुत अद्भुत पुण्य का उनका योग रहा, और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उनके उपस्थिति में भी और उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनको हृदय में बिठाया और निर्वीक होकर के और निर्हीता के साथ ज्ञान का अर्जन करते हुए, और जो ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से प्राप्त जो रत्नत्रय उसकी निर्दोष आराधना करते हुए निर्मल परिणाम के माध्यम से रत्नत्रय को निर्मल बनाया है, और अपने जीवन काल में जो ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया है अब शायद ही कोई भी कर सकेगा। हमारे पास है क्या? आप लोग कहते हैं कि महाराज आप भी हमें सूत्र दे दो, सूत्र की रचयिता आचार्य हुआ करते हैं, और उन्होंने जो सूत्रों का निर्माण किया है उसमें से किसी भी सूत्र को आप अपने बुद्धि का विषय बना लो और उपयोग के माध्यम से उन सूत्रों की आराधना, उन सूत्रों की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें भी करना है और आप लोगों की भी करना है। बहुत अद्भुत विषय है।
और पूज्यपाद स्वामी ने यह स्पष्ट किया है, प्रसंग धर्म ध्यान का है, वह आप लोग सर्वासिद्धि का अवलोकन कर सकते हैं। मुझे वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है, कहाँ तक मैं आपके सामने रख पाऊँ यह अलग वस्तु, किंतु क्षोभम है आपके पुण्य के उदय से शायद वह भाव आपके सामने रख पाऊंगा। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का प्रसंग है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि उपदेष्टु अभावात्, क्या कहा, उपदेष्टा का अभाव। ये ध्यान रखें, वे स्वयं अपने आप को भी उपदेष्टा के रूप में नहीं मानना चाहते। हम लोगों के लिए तो सर्वार्थ सिद्धि का निर्माण करके महान उपकार किया है, और वे उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित जो तत्वार सूत्र है, उस सूत्र की आद्य टीका उनके द्वारा लिखी गई है, और सर्वार्थ सिद्धि में अपने आप को लघुता का एक भाव प्रदर्शित करते हुए लिखा है। हम और आप ये कह सकते हैं लघुता है, किंतु वह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपदेष्टु अभाव, विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण ये एक हेतु है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात, कर्म का उदय होने के कारण। मंद बुद्धित्वात, आप सुने, मंद बुद्धित्वात, हम लोगों की बुद्धि मंद है। उन्होंने भी अपने आप को ये स्वीकार किया है, हमारी भी मंद बुद्धि है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात मंद बुद्धित्वात, और एक अंतिम एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि पदार्थानाम अत्यंत सूक्ष्मत्वात, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जो मूल आगम है, अर्थागम है, उसको प्रमाणभूत मान करके हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं, तो उसका नाम आज्ञा विचे धर्म ध्यान। इस प्रकार आगे भी कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी है, जो पंक्ति हमें स्मरण में आ गई उनको आपके सामने रखा, और यह सर्वार्थ सिद्धि में नवे अध्याय में धर्म ध्यान का प्रसंग आया है, उसमें आज्ञा विचे धर्म ध्यान के प्रसंग में इसको रखा। और उन्होंने एक बात और रखी, हेतु और दृष्टांत, इन दोनों का अभाव हो जाता है। हम हेतु नहीं दे पाते हैं जिस समय, और दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उस समय। इसको उस समय जो श्रद्धान का विषय बनता है, उस समय यह धर्म ध्यान का विषय बनता है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। हमें आज्ञा का पालन करना है। कहां पर क्या लिखा है इसका कोई अंत है नहीं, किंतु क्योंकि ये भी कहा है, सुना है, अंतो नत्य सुधीनम कहा। जब श्रुत का अंत नहीं है, और उपलब्ध जो आगम हम लोगों के पुण्य के उदय से उपलब्ध हुआ है, उसको हमें बिना किसी संदेह के साथ हमें एकमात्र इदमेव इस प्रकार समझ करके उसको आस्था का विषय बनाना चाहिए। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि आप लोग जानते हैं, एक हिमखंड है, एक बर्फ की डली जिसको बोलते हैं। मान लो 1000 व्यक्ति बैठे हैं, और एक व्यक्ति के हाथ में वह हिमखंड है, एक छोटा सा एक बर्फ का एक टुकड़ा है, और वह एक दूसरे के हाथ में
वह परिवर्तित होता होता अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में यदि पहुंच जाए तो शायद वह बर्फ की डल ही देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हाथ गीला मिलेगा देखने को, स्पर्श में आएगा। इसी प्रकार यह द्वादशांग की जो द्वादशांगात्मक जो आगम है वह धीरे 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 यहाँ पर पहुंचा है, किंतु हमारे हाथ गीले बने रहे। मान लो वह हाथ सूख भी जाए तो भी हमारा मन हमेशा गीला बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति का मन यदि शीतलता का अनुभव करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में वह आगम विद्यमान है, ऐसा मैं समझता हूं। महान बड़े बड़े आचार्य होकर के भी वे अपने आप को लघुता लघु मान रहे हैं और उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है, उसके माध्यम से ही आत्मोन्नति होगी और उसके माध्यम से ही वह आत्मिक शांति भी मिलने वाली है। भौतिक युग में शारीरिक सुख के साथ संसारी प्राणी चल रहा है और शारीरिक भूख मिटने के उपरांत भी उसकी मानसिक भूख बनी रहती है और उसकी पूर्ति के लिए वह क्या पुरुषार्थ कर रहा है उस क्षेत्र में आप लोगों को सबको ज्ञात है। गुरुदेव ने कहा था ये संसार का जब तक अंत नहीं होगा तब तक यह तुलनात्मक ही सुख मिलने वाला है आपको। अतुलनीय जो सुख है आत्मिक सुख पर शुद्ध परमेष्टि को प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और केवल ज्ञान की दृष्टि से चाहे वह तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो अथवा सामान्य केवली का केवल ज्ञान हो अथवा शुद्ध परमेष्टि का केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि ये ज्ञान क्षायिक ज्ञान माना जाता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के कारण ही केवल ज्ञान उपलब्ध होता है और उस केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी गेय वस्तु पदार्थ नहीं है जो वह केवल ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। अतीत अनागत और वर्तमान समय संबंधी इन तीनों काल संबंधी अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों को और उनके साथ गुणों का जो संबंध है यानी प्रत्येक द्रव्य के भीतर जो अनंत गुण हैं उन गुणों संबंधी भी पर्यायों के साथ एक समय में वे केवल ज्ञानी युगपत जानते हैं बल्कि जानते नहीं किंतु दर्पणायते ऐसा कहा। दर्पण के समान उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वे सारे के सारे पदार्थ अवतरित हो रहे हैं और दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर्व परमेष्टि ने उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है जो विराटता है उसको अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको धारण करके उसको द्वादशांग का रूप दिया है। और दूसरी बात यह है कि यह द्वादशांग जिसको हम क्षीर सागर बोल रहे हैं किंतु केवल ज्ञान रूपी सागर के सामने वह क्षीर सागर भी एक बूंद के समान दिखाई देता है। आप सोचिए गुरुदेव ने एक बार कहा था हम और आपको जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वह स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु द्वादशांग के धारक जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है ऐसे गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा का समाधान केवल ज्ञान होने के उपरांत ही संभव है उसका समाधान। आप सोचिए क्योंकि केवल ज्ञान में यह शक्ति है चेतना चेतनात्मक मूर्ता मूर्तात्मक जो द्रव्य है उन द्रव्यगत अतीत अनागत और वर्तमान संबंधी अनंतानंद पर्यायों को एक साथ जानने की क्षमता एकमात्र केवल ज्ञान में है। किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखी जा रही है,
मेरा यह विषय नहीं, आगम में जो आया है उसको ही रख रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था क्योंकि मेरे पास था क्या, जो कुछ भी सर्वांगीण जो हमें वर्तमान में जो क्षोभ उपलब्ध हुआ है वो एकमात्र गुरुदेव का ही, उसमें उनके आशीर्वाद के माध्यम से जितना हम अपने बुद्धि से प्राप्त कर पाए हैं वह प्राप्त कर पाए। किंतु इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि धैर्य रखो, घबराना नहीं। वातावरण भय की उदीर्णा करने वाला वातावरण सामने आ सकता है, किंतु धैर्य यदि आप रखते हैं निश्चित रूप से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होने वाली है। और उपस्थित भी हो जाए तो उस समय निजार्जितम कर्म विहाय दीनु न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन् एव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो कि दूसरा मुझे कोई दे रहा है, ये निश्चय का कथन है। व्यवहार की भूमिका में बिना गुरुदेव के आलंबन लिए हमारा कल्याण नहीं होने वाला। उन्होंने जो दिया है उसको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। हमारी योग्यता कितनी है स्वयं गुरुदेव जानते हैं। और जिस समय हमारा प्रवेश हुआ था और वस्त्र परिवर्तित हुए थे, जब तक वस्त्र परिवर्तित नहीं हुए थे आम सभा में जैसे आप बैठ जाते थे उसी प्रकार गुरुदेव की प्रवचन को सुनने के लिए बैठते थे। प्रवचन का क्या आशय ये मुझे पकड़ में नहीं आता था, लेकिन दो कान है हमें श्रवण करना है और आस्था के साथ हमें श्रवण करना है। 8 साल अंतर्मुर्त के उपरांत वह क्षमता आती है, आवे ये अनिवार्य नहीं। अपनी अपनी भूमिका और अपने अपने परिणाम बहुत विभिन्नता को लिए हुए होते हैं। परिणामों में निर्मलता होते हुए भी उसमें बहुत भेद भिन्नता स्तर के अपेक्षा से हो सकती है। तो मैं भी आम सभा में जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार बैठे थे महावीर जी में, किंतु सामान्य रूप से सबको आशीर्वाद मिलता था, पर्टिकुलर उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नमस्तु करने के लिए चले जाते हैं तो जनता जा रही है, उसी प्रकार हम भी उसमें शामिल है तो सामान्य रूप से सबके लिए आशीर्वाद मिल रहा था, उसी प्रकार अपने को भी मिला, किंतु कोई वार्ता नहीं हुई। क्योंकि वार्ता क्यों होगी, उपदेश तो आम सभा के लिए है और व्यक्तिगत जो कुछ भी है वह वार्ता नहीं करना चाहते हैं, कहां कहां तक वो समय देंगे। किंतु जिस समय वस्त्र का परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा जो आजीवन प्राप्त हुआ समय, उस समय उनके सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, इन्हें स्कूल एडमिशन एंट्री समय अब उपदेश मिलता था वो तो मिल ही रहा है। मैं जितने भी ब्रह्मचर्यों का समूह था उस समूह में ही मैं बैठा था, अकेला था हूँ, वहां पर भी एक समूह है और समूह में ही वो अध्ययन कराते रहे और उस समय हम सुनते सुनते आए। और मंगलाचरण उन्होंने किया वस्त्र परिवर्तन होने के उपरांत, तत्पर सूत्र का उच्चारण उन्होंने बाद में कराया, सर्व मंगलाचरण के रूप में उन्होंने ये गाथा रखी पंचायत मंगलाचरण।
यंद सदवंदियानम तिहुवन हिद मधुर विसद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जद भवानम। इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया और एक बार उच्चारण उन्होंने किया हमसे उच्चारण बन नहीं रहा। इस प्रकार बार बार मेरे विचार से 8-10 बार उन्होंने रिपीट किया हो और बीच में उन्होंने कहा ठीक से उच्चारण करो, तो अब ठीक से उच्चारण करो अब क्या ठीक और क्या गैर ठीक मुझे ज्ञात ही नहीं, मैं क्या ठीक से उच्चारण करूं। फिर भी वो कह रहे हैं जी ठीक से करने का प्रयास करूंगा, मुन्ने हमने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उत्तर ठीक नहीं माना जाता, वो जो कह रहे हैं उसको स्वीकारता देनी चाहिए। जी प्रयास करूंगा मन में सोच रहा हूँ, और मैं बार 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 उच्चारण किया, धीरे धीरे वह उच्चारण सुधरता गया। अर्थ यह है उस समय वस्त्र परिवर्तन करने के उपरांत मेरे हाथ में क्या दिया गया था, एक सुलग जी थे और उन्होंने एक पतली सी किताब, कौन सी नहीं अभी सिद्धांत की बात मत करो, हाँ उसमें नहीं 24 ठाना भी नहीं ना 34 ठाना, कोई ठाना आना न कुछ भी नहीं, हम जानते नहीं ठाना क्या है। सुनो मैं कह रहा हूँ एक पतली सी किताब है और उसमें प्रभु पतित पावन की विनती है और शायद उसमें 12 भावना भी जो भोदर दास कृत शायद वो है राजा राणा छत्रपति, शायद उसमें इस प्रकार के कुछ विषय उस पतली सी किताब में देखने को मिली थी और उसको मुझे दिया गया। क्यों दिया गया, कारण इसमें क्या है, कारण ये है समय ज्यादा न हो, वैसे 9:35 हो रहे हैं, वो संक्षेप कर रहा हूँ कि इसलिए दिया गया कि अभी तुम्हें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। कहा उन्होंने कुछ नहीं, किंतु अनुमान तो होता ही है क्योंकि नर्सरी का छात्र है और यमे की किताब रख दो उनके हाथ में दे दो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस नर्सरी में प्रवेश जो किया है जिसने उस छात्र के लिए वह पतली सी किताब हाथ में पकड़वा दी और एक सूत की माला दे दी है, चांदी सोने के नहीं हाँ सूत की है, जो मंदिर वगैरह में फुट्टी पर टांगी जाती है और वही जो है ना हाँ उसमें मनिया भी नहीं सरकती, गांठ है उसमें और उसको लेकर के हम जाप कर रहे हैं और वह पतली सी किताब, क्योंकि प्रभु पतित पावन कौन, प्रभु पतित नहीं प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं, मैं अपावन प्रभु बोलो तो हाँ प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। हाँ ये पुनः वह पंक्ति आज आपके सामने रखी है। अर्थ ये है कि मैं नर्सरी का छात्र था और उस समय अंगूठा छाप है, लेकिन ये ध्यान रखो अंगूठा छाप तो है किंतु कहाँ पर छापना यह भी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा था। और आज यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं, आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, समय आपका हो रहा है कि वस्तुतः संसारी प्राणी संसार में जब तक रहेगा तब तक अपने आप को पतित का अनुभव करता है और पावन बनने के लिए
ही हमें कटिबद्ध होना है, पुरुषार्थ करना है सही दिशा की ओर। पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक पुरुषार्थ में समीचीनता नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेकर के भव समुद्र से हम पार हो सकते हैं। और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोप सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोली आचार्य प्रबल शिक्षार्थ समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।